ओम शांति। आज थोड़ा अपना लौकिक अलौकिक परिचय सुनाती हूँ। ज्ञान में तो हम 1958 से चले, जब शरीर की आयु 6-7 साल की थी। तब से ही, बचपन से ही योग बहुत अच्छा लगता था। ज्ञान तो समझ में आता नहीं था, और हम लोग के समय में जब हम ज्ञान में आए तो उस समय सिर्फ बाबा की 4 पेज की मुरली होती थी। उस समय न बाबा की मुरली में ना वरदान, ना स्लोगन, ना सार, ना प्रश्नोत्तर, कुछ नहीं होता था। और हम लोग के समय में ज्ञान इतना ही था कि बहनें थोड़ा सुनाती थी कि तुम आत्मा हो, शिव बाबा परमात्मा है, आत्मा अंगुष्ठाकार है, परम धाम लाल है। बस इतना ही कोर्स था, इतना ही ज्ञान था। और मुरली में बिठा देती थी, पर मुरली में बिठाने के बाद में मुरली भी समझ में नहीं आती थी। पर जब योग में बैठने के लिए बहनें कहती थी तो बहुत अच्छी तरह से स्थिर होके बैठ जाते थे, एकदम शांत होके। और उस समय से, बचपन से जो योग किया और बाबा से शक्ति ली, उस चीज़ का अनुभव मैं देखती हूँ। बाबा की याद का अनुभव शुरू का, वो हमें अभी तक भी चला रहा है। तो इसी प्रकार ज्ञान में जब चले, लौकिक में भी बहुत बंधन थे। लौकिक माता जी ज्ञान में चलती थी, लौकिक बाप एकदम ज्ञान के विरुद्ध एंटी पार्टी थे। पर अंदर की जो लगन, बाबा से प्यार बहुत सूक्ष्म में बना हुआ था। घर का भी सारा काम करते थे, माता जी को मदद करते थे। पर उस समय भी मेरे को अनुभव है कि घर में रहते भी हम कई बार अनुभव ऐसा करते थे कि बाबा हमारे साथ और हमारे घर में हैं और हमारे आसपास घूम रहा। ये मैंने बचपन से अनुभव किया है, तो इसलिए बाबा ने ऐसे लगता उस अनुभव के आधार से हमें अपना बनाया। पर बचपन से ही दादियों की पालना भी बहुत मिली। मेरे को याद है 1964 में मम्मा कलकत्ते में आई थी, छोटी थी। बस इतने ही याद है कि मम्मा के हाथ से टोली खाई है, गोद में बैठे, बाकी और कुछ याद नहीं है। पर फिर भी साकार बाबा की 10 साल फिर भी पालना ली, क्योंकि घर में बंधन होने के कारण बाबा को अपना दिल का समाचार, दिल का हालचाल बाबा को मैं समझती महीने में एक बार बाबा को पत्र लिखते थे, और बाबा का पत्र का जवाब रिस्पान आता ही था, और उस अनुसार हम चलते थे। हमें कभी कभी बड़ा वंडर अभी भी लगता है कि घर में रहते हुए, परिस्थिति में रहते हुए, पर उस समय भी हम लोगों ने घर में रहते जैसे बाबा कहे, जैसे दादियाँ कहें, हमें वैसे ही करना, वैसे ही चलना है, ऐसा जीवन में लक्ष्य शुरू से था। उस अनुसार ही चलते रहे और अभी तक भी चल रहे हैं। तो शुरू से ही बाबा की भी 10 साल जो पालना ली, प्यार पाया, और उसी पालना में पल के बड़े हुए। और मेरे को तो अपने लाइफ का यही अनुभव होता है कि सचमुच में एक एक दादियों की बातें याद आती है कि किस प्रकार एक एक दादियों ने हम बहनों को इतना प्यार से चलाया है, सिखाया है, आगे बढ़ाया है। और कलकत्ते में जब थे, ज्ञान कलकत्ते से लिया, वहीं से लौकिक अलौकिक पालना भी वहीं से ली। पर बचपन से जो दादियों की पालना ली, ईस्टर्न जोन में हमारे 5 दादियाँ थी, 2 कलकत्ते में थी, 2 बिहार में थी, 1 उड़ीसा में थी। और उस समय भी कलकत्ता
ईस्टर्न जोन की हेड ऑफिस थी, तो सभी दादियों की पालना और सभी का आना जाना हमेशा लगा रहता था। छोटे थे, बहुत भाग भाग के, जो कोई जो भी सेवा बोलता था भाग भाग के करते थे। और मेरे को कभी अनुभव नहीं है यदि कोई दादियों ने चाहे सब्जी काटने की, चाहे झाड़ू पोछा की, कोई भी प्रकार की सेवा बोली हो और मैंने नहीं की, मेरे को कभी अनुभव नहीं है। सभी को समय के अनुसार जो कोई सेवा बोलता था वो करती थी। पर उसमें भी सबसे विशेष परदादी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि पहले तो परदादी 1960 से 64 तक बॉम्बे में रहीं, और 64 में साकार बाबा ने परदादी को कलकत्ते में भेजा। तब भी हम छोटे थे, तो मेरे को याद है एक बार लौकिक माता जी ने साकार बाबा से पूछा कि बच्ची का क्या करेंगे। तो बाबा ने उस समय कहा कि बच्ची कहीं नहीं जाएगी, बच्ची बाबा की है और बाबा की बन के रहेगी, इसको सिर्फ दीदी दादियों के पास छोड़ दो। तो मेरे को उस समय ये अच्छी तरह याद है कि मेरे को उसी समय मन में आया जब मैं 13-14 साल की थी, और मन में संकल्प आया कि जब भगवान ने कह दिया है कि बच्ची कहीं नहीं जाएगी, दीदी दादी के पास छोड़ दो, तो उसी संकल्प से हम लिपके छिपके भी, बाप के डर से भी बाबा के घर में आते थे, सेवा करके दो दो घंटा जाते थे। पर उस समय की लगन और बाबा से प्यार जो जुटा हुआ था, जैसे कि बाबा खींचता है, तो परदादी के साथ मैं भी 1964 से रहना शुरू किया, और उनके साथ तो एक कम 50 साल रहे, 1964 से ले कर 2013 तक। और यही कहें कि दादियों के साथ रह करके हमने तो सिर के बाल से ले कर पाँव की चोटी से ले कर पाँव तक बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात जो हम बाबा के बच्चे दूसरों को कहते हैं कि हमारे संस्कार रहने ऐसे होने चाहिए, देवताई संस्कार, हम देवता बनने वाले हैं, 16 कला संपूर्ण बनने वाले हैं, तो हमारे संस्कार देवताई किन किन बातों में होने चाहिए, कभी हम इन बात की गहराई में नहीं जाते हैं। पर इसके ऊपर मैं दादियों की बात सुनाऊं, परदादी की बात सुनाऊं, कि एक बार कोई बहन ने किसी की बगैर पूछे कंघी उठाई और वो सिर में वो कंघी से चोटी किया, तो परदादी ने देखा उस कुमारी ने बगैर पूछे उसकी कंघी उठाई और चोटी की, तो उस समय तो नहीं कहा, थोड़े समय के बाद परदादी ने बहुत प्यार से समझाया कि तुमने एक पहली भूल की बगैर पूछे उसकी कंघी उठाई, और दूसरा उसकी कंघी सिर में डाली, तो सिर में डालना माना जो उसके जो संस्कार होंगे, उसके जो आदत होगी, उस समय उसकी ब्रेन में चला हुआ कंघी घूमी होगी, वो संस्कार तुम्हारे बुद्धि में भी इमर्ज हो जाएंगे। तो हम सिर्फ देखते थे, सुनते रहते थे, क्योंकि ये भी एक दैवी संस्कार है। कभी कोई सोच नहीं सकता कि एक कंघी सिर में डालने से उसके संस्कार हमारे अंदर मस्तिष्क में आ जाएंगे। इतनी गहरी बात को, इतनी गहराई को, दिल छूने वाली बातें कोई हमें सिखा नहीं सकता। तो मैं ये सिर्फ सुनती रहती थी, पर हमारे तो अपने लौकिक से ऐसे संस्कार बचपन से थे, ना किसी की कंघी लेना, ना किसी के बर्तन में खाना, ना किसी की चीज़ यूज करना, लौकिक से ऐसे संस्कार परिवार में थे,
कभी किसी की चीज उठाना नहीं, ऐसे माँ बाप ने संस्कार डाले। तो इसी प्रकार परदादी हम लोग को एक एक बातों को बहुत प्रैक्टिकल सिखाती थी। और पांव के ऊपर अभी बीच में बहुत बातें, और क्योंकि हम देवता बनने वाले बाबा के बच्चों के, चाहे सिर हो, चाहे नैन हो, चाहे कान हो, चाहे मुख हो, चाहे हाथ हो, चाहे दिल हो, चाहे पांव हो, हर कर्म इंद्रियों से हमारे इतने श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए जो हमारे कर्म और कर्तव्य के आधार से तभी हम देवता बन सकते हैं, देवता कहला सकते हैं। तो इसी प्रकार परदादी हमें एक एक बातों के अच्छे श्रेष्ठ संस्कार डालती थी और प्रैक्टिकल उन बातों के ऊपर ध्यान खिंचवाती थी। इसलिए हम बाबा के बच्चों को अपने कर्म के ऊपर बहुत अटेंशन, बहुत ध्यान रख कर के चलना है। ओम शांति।